हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएस टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, क्या हाल है? तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी लाइट एप्लीकेशन कैसे ऐड करें अपने फ़ोन पे क्रोम की तरफ से। तो बस क्रोम को कैसे यूज़ करते हुए देखते हैं। तो सिंपली हमें क्रोम को ओपन करते हैं, इधर एक वेबसाइट डालते हैं जैसे कि ट्विटर, ट्विटर डॉट कॉम या फिर लॉग इन। ठीक है, लॉग इन डाल दिया, ये पेज ओपन किया मैंने। ओपन करने पे ये इंटरफेस आता है। तो ये क्या है, क्रोम का बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेशन रहता है। कुछ बार ऐसा भी होता है, मेरा अपडेट हट है इसलिए वो अभी लाइट यूज़र कर रहा है। तो ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए क्या करूँगा, इधर एक ऐड टू होम स्क्रीन ये ऑप्शन है, इसको मैं अभी ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन किया। ये तो अभी क्या करेगा, ये जो थंबनेल है इस वेबसाइट की, उसकी थंबनेल बनाएगा अभी। और थंबनेल बनाने के बाद आपको दूसरा वाला ऑप्शन देगा। तो ठीक है, ये देखिए ट्विटर लॉगिन, मेरा अभी लॉगिन नहीं है इसलिए ऐसा है। तो बस अभी मैं ये बटन निकाल देता हूँ। ठीक है, हो गया। तो अभी अगर मैं बैग जाता हूँ और देखते हैं, तो इधर ट्विटर आ गए हैं। ये इंस्टाग्राम मैंने वैसे ही ऐड किया है, तो अभी मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और फिर से मैं इंस्टाग्राम को भी ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं अभी इंस्टाग्राम पे गया, इधर डाला instagram.com। ठीक है, instagram.com, अभी मेरा ये ऑलरेडी लॉग इन रहे। तो बस मैं अभी इधर ऐड टू होम स्क्रीन डालूँगा, instagram.com आता है, मगर मेरा मैंने पहले किया था तो इसलिए अभी इंस्टाग्राम सिर्फ पे आ गया है। और ये थंबनेल डाउनलोड भी किया है इसने, तो ऐड किया, अभी देखते हैं। देखिए ये जो हमारा ये ऐप है वो ओपन हो गया है। तो इसको ओपन किया तो वही इंटरफेस आएगा लाइट वाला, आपकी मेमोरी भी ज़्यादा नहीं जाएगी और आपका फ़ोन अच्छे से वर्क करेगा। तो आज की वीडियो बस यही थी। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।